तो फाइनल गाइस अभी द्वारकाधीश टेंपल की पार्किंग में हम आ चुके हैं और ये हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है। अभी सब लोग यहाँ से उतर भी गए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इस पार्किंग करके यहाँ पर कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर टेंपल की पार्किंग में खड़ी हैं, यहाँ पर टिकट कटता है पार्किंग करने के लिए। तो फाइनली टिकट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जाने वाले साल के लिए सलाम, और जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो प्रेजेंट में लग चुका है 2023, उसके लिए तहे दिल से हार्दिक शुभकामना आप लोग और अपनी पूरी फैमिली के लिए। मेरी तरफ से नया साल का बहुत बहुत मुबारकबाद। तो फाइनली दोस्तों, अभी आपको पता है कि मेरा ट्रैवल पहुँच के कुछ मिनट हो चुके हैं सुबह की तड़की तड़क, और मैं और पूरी फैमिली के साथ सभी लोग निकल रहे हैं द्वारकाधीश धाम के लिए। तो फाइनली गाड़ी नीचे आ चुकी है और अब इसमें बैठ के चलना है सीधी द्वारकाधीश के लिए। तो वो बिल्कुल तैयार हो रही है द्वारकाधीश जाने के लिए। तो मैं तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज से पहले मैं तो कभी गया नहीं हूँ द्वारकाधीश के लिए। तो चलिए चलते हैं फैमिली की तरफ और देखते हैं कि फैमिली तैयार होती है या नहीं होती है। फाइनली मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, सेटअप मेरा तो बिल्कुल बन चुका है। तो फाइनली हल्की सी ठंड सी लग रही है गुजरात के अंदर, तो फाइनली थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही है। तो फिर जल्द से जल्द ये सूटर पहनते हैं, और सूटर पहन के मिलते हैं। मस्त सूटर तो पहन लिया यार, हल्की सी ठंड सी लग रही थी, वो तो दूर हो गई है। अब अभी जल्द मिलवाते हैं फैमिली से कि फैमिली तैयार हुई है या नहीं हुई है। तो फाइनली हम जा रहे हैं इस टाइम द्वारकाधीश धाम के लिए। बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा मशहूर टेम्पल है जो बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच में बना हुआ है। तो आज उसी के लिए रिकवर करने वाले हैं अपनी वीडियो में। चलिए चलते हैं द्वारकाधीश धाम की तरफ, पहले मिलवाते हैं फैमिली से, आपके लिए चलते हैं। तो पहले यार, ओ मेरे साथ बहुत बड़ा पॉपअप हो गया है। मैंने कपड़े तो सारे पहन ही लिए, पर पैसे लेने को ध्यान ही नहीं रह गया। पैसे तो लेना चाहिए ना। तो मस्त बैग भी तैयार हो गया है, अब चलते हैं फैमिली की तरफ, देखते हैं फैमिली तैयार हुई है नहीं। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, बैग भी मैंने ले लिया, अब चलते हैं सीधे फैमिली की तरफ। तो चलिए चलते हैं पूरी फैमिली के साथ न्यू ईयर पर द्वारकाधीश का ट्रैवल ब्लॉग। तो चलिए मिलते हैं हम द्वारकाधीश में। अभी तो फिलहाल फाइनली गाड़ी नीचे कर दी, तो अभी चलते चलते हैं गाड़ी पर। अभी फैमिली पूरी सेटअप तैयार है, चलते हैं सीधी गाड़ी तरफ। तो फाइनली दोस्तों, हमारे साथ के सारे लड़के तैयार हो चुके हैं एक्साइटेड जाने के लिए। फाइनली दोस्तों, हमारे बाबा भी बिल्कुल तैयार हो गए वहाँ जाने के लिए। तो बाबा कहाँ जा रहे हैं अपना आज? द्वारकाधीश जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं द्वारकाधीश के लिए। ठीक है, फाइनली 4:18 पर निकल चुके हैं। हेलो गाइस, अभी तो पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं हम लोग, और अभी तो CNG भरी जा रही है गाड़ी में, और फिर दिखाते हैं आपको भी थोड़ा अच्छा। कुछ ही दूर है द्वारकाधीश, कुछ ही दूर रह गया है, थोड़ी देर की रास्ता रह गई है, फिर मिलते हैं आपको द्वारकाधीश मंदिर में। पहली गाइस, यहाँ पर चाय पीने के लिए रुक चुके हैं, अब कुछ ही दूर है यहाँ से, चाय तो पी लिया है, चाय आ गई है, अब चाय पी के चलते हैं फिर मंदिर की तरफ। अभी अंदर खाना पीना भी है, तो मस्त साइलेंट देखो यहाँ की, और खाना पीना खा सकते हैं। भाई जब चलते हैं मंदिर से, यहाँ से निकल कर चलते हैं मंदिर कभी, नॉन स्टॉप मंदिर कभी। चल भाग चले कहीं यार, जहाँ रात कटे वहीं आए, एक साथ ढले अब आए। तो फाइनल गाइस, अभी द्वारकाधीश टेंपल की पार्किंग में हम आ चुके हैं और ये हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है। अभी सब लोग यहाँ से उतर भी गए हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ इस पार्किंग करके यहाँ पर कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर टेंपल की पार्किंग में खड़ी हैं, यहाँ पर टिकट कटता है पार्किंग करने के लिए। तो फाइनली टिकट तो कट चुका है इसका, और ये टेंपल पार्किंग का गेट है। तो फाइनली अभी मैं गेट भी दिखाऊंगा आपके लिए। तो फाइनली पार्किंग का व्यू देख रहे थे, बहुत ही बड़ी पार्किंग है यहाँ पर, और हम सारी फैमिली हमारी जो कि इस टाइम पर अभी उतर रही है गाड़ी से पार्क करने के बाद, सारे सामान वामान निकाल रहे हैं। तो अभी चलते हैं आपके लिए समुद्र की तरफ और दिखाते हैं समुद्र का व्यू। गाइस, गाड़ी को पार्क करने के बाद हमने गाड़ी को पार्क कर दिया है, अब जा रहे हैं यहाँ पर समंदर की तरफ। यहाँ से मंदिर भी दिख रहा है, शायद आपको दिखता ही होगा कैमरे में मंदिर की चोटी। तो मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ मंदिर की चोटी यहाँ से। तो गाइस, मंदिर की चोटी तो यहाँ से दिख रही है, और अभी हम जाएंगे इस मंदिर तक। तो यहाँ से फिलहाल काफ़ी दूर है, 200-300 मीटर की दूरी पर है। तो मैं अभी तो गाइस, द्वारकाधीश आने के बाद यहाँ की एनर्जी भी है ना, नेक्स्ट लेवल पर है, बहुत नेक्स्ट लेवल पर। मुझे तो फील ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पर हम आ चुके हैं, और हमारे साथ में ये बाबा जी आए हैं हमारे यहाँ पर। तो बाबा के साथ चलते हैं द्वारकाधीश टेंपल में। तो आई होप ये व्लॉग आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।